हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 15 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका महेंद्रकर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। महेंद्रकर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये जो आपका तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये एक प्रकार की आपकी बीमा योजना है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रारंभ की गई एक प्रकार की बीमा योजना, इस योजना का नाम रखा गया है आपके महेंद्रकर्मा के नाम पे, शहीद महेंद्रकर्मा। ये जो आपके महेंद्रकर्मा है, इनकी नक्सलवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। नक्सलवादियों के द्वारा आपके 25 मई 2013 को झीरम घाटी में एक आपका नक्सलवादी हमला हुआ था। इस नक्सलवादी हमले में आपके कांग्रेस के दो दिग्गज नेता, एक थे आपके महेंद्रकर्मा और दूसरे थे आपके नंद कुमार पटेल, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं महेंद्रकर्मा के आपके जन्म जयंती के अवसर पर, जन्म जयंती यानी कि आपके 5 अगस्त, इनके जन्म जयंती के अवसर पर 5 अगस्त 2020 को प्रदेश सरकार के द्वारा इन तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक बीमा योजना प्रारंभ की गई, महेंद्रकर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक, इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे समझिएगा। इस योजना के लाभार्थी होंगे आपके पंजीकृत तेंदुपत्ता संग्राहक, मतलब रजिस्टर्ड जो आपके तेंदुपत्ता संग्राहक है, वो इस योजना के लाभार्थी होंगे। हमारे प्रदेश में वर्तमान में लगभग आपके 12.5 लाख आपके रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत तेंदुपत्ता संग्राहक है, जिन्हें इस योजना लाभ मिलेगा। ठीक, देखिए इसमें जो आपकी बीमित राशि किसे प्रदान की जाएगी, बीमित राशि, देखिए ये जो आपका तेंदुपत्ता जो आपका संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का बीमित व्यक्ति मतलब उस तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया व्यक्ति, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की दशा में, मुखिया मतलब जो बीमित व्यक्ति है, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की दशा में उसके नॉमिनी यानी कि नामित व्यक्ति को या उसके उत्तराधिकारी को ये राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है उसके मुखिया की मृत्यु होने की दशा में जो बीमित राशि है वो उसके नॉमिनी यानी कि नामित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी को प्रदान की जाएगी। ठीक, देखिए अब इस योजना के अंतर्गत कुछ कंडीशन है उसे समझते हुए चलिएगा। इस योजना में जो आपके जो राशि है उसे दो आपके एज ग्रुप में बांटा गया है। एक एज ग्रुप है आपका 50 वर्ष से कम और दूसरा है आपका 50 से 59 वर्ष। 50 वर्ष से कम यानी कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष आयु वर्ग और दूसरा है आपका 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग। ठीक, और कुछ कंडीशन है और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये बीमा राशि प्रदान की जाएगी। ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका सामान्य मृत्यु यानी कि आपके नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है आपका दुर्घटना मृत्यु यानी एक्सीडेंट में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है आपका पूर्णतः विकलांग और चौथा है आपका आंशिक विकलांग। पूर्णतः विकलांग और आंशिक विकलांग क्या होता है समझिएगा। देखिए, किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, एक्सीडेंट में उस व्यक्ति का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया, वो व्यक्ति का अगर हाथ और पैर फ्रैक्चर हुआ है तो उसका इलाज कराया जाएगा। इलाज कराया गया तो वो व्यक्ति का वो हाथ जो है कुछ समय के लिए अपंग हो गया। ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, जैसे हाथ का हड्डी टूट गया तो उसको रिकवर होने में कुछ समय लगेगा, तो ये कहलाता है आपका आंशिक दुर्घटना। ठीक है, ये कहलाता है आपका आंशिक दुर्घटना। और एक होता है आप, ये कहलाता है आपका आंशिक विकलांग। और जो दूसरा होता है पूर्णतः विकलांग, अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट के बाद हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया और वो पूरी तरीके से खराब हो गया, कंडीशन ये आ गई कि उसका हाथ या पैर काटना पड़ गया, तो वो कहलाता है आपका पूर्णतः विकलांगता। ठीक है, तो ये टर्म को थोड़ा समझिएगा, आंशिक विकलांगता क्या होता है और पूर्णतः विकलांगता क्या होता है। ये जो आपकी योजना है, योजना से लिखने के लिए आपके मेंस एग्जाम में भी आता है। ठीक, देखिए तो सामान्य मृत्यु की दशा में जो आपका एज ग्रुप जो कि 50 वर्ष से कम है, तो सामान्य मृत्यु की दशा में उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी को मिलेगा आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, नॉमिनी या उत्तराधिकारी को मिलेगा 2 लाख रुपए। दुर्घटना मृत्यु की दशा में मिलेगा आपके 4 लाख रुपए। ठीक, उसमें क्या है, आपका 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी और आपकी दुर्घटना मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि यानी कि कुल 4 लाख रुपए मिलेगा। ठीक, तीसरा है आपका पूर्णतः विकलांगता। पूर्णतः विकलांगता मतलब जो परमानेंटली जो उसका वो आपका विकलांग हो गया, तो उस कंडीशन में आपके 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। और चौथा है आंशिक विकलांग, तो आंशिक विकलांग की दशा में 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ठीक, ये था आपके 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए। अब अगर 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग है, ठीक, जिन्हें बुजुर्ग की कैटेगरी में माना जाता है, तो इनके लिए जो बीमा राशि है ये कम है। सामान्य मृत्यु की दशा में 30,000 रुपए,
दुर्घटना मृत्यु की दशा में 75,000 रुपये, पूर्णतः विकलांगता की दशा में 75,000 रुपये, जबकि आंशिक विकलांगता की दशा में आपका 37,500 रुपये यानी कि 37,500 रुपये की राशि जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इस डेट को थोड़ा याद रखिएगा, डेट से प्रश्न अक्सर आता है। नेक्स्ट है आपका इको एथनिक रिसोर्ट। इको एथनिक रिसोर्ट जिसे विकसित किया गया है आपके ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट क्या है, जैसे कि हमारे प्रदेश में आपका चल रहा है आपका राम वनगमन पथ विकास का कार्य। राम वनगमन पथ जो कि आपके राम वनगमन सर्किट का एक पार्ट है। देखिए सर्किट का मतलब क्या होता है, भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके वनवास से लेकर के उनके लंका में जाने तक जिस जिस स्थान से होकर के भगवान राम गुजरे थे वो सारे स्थानों को एक परिपथ के माध्यम से जोड़ना, ये कहलाता है आपका रामायण परिपथ। वैसे ही है आपका महाभारत परिपथ, उसके वैसे ही है आपका बुद्ध परिपथ, जैन परिपथ, ये सभी के सभी परिपथ जो है ये आपके स्वदेश दर्शन योजना का एक पार्ट है। वैसे ही एक परिपथ है आपका, एक सर्किट है आपका ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। इस ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत पूरे देश भर के जो आपके जनजाति बहुल क्षेत्र है उन्हें एक परिपथ के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। हमारे प्रदेश के 13 स्थानों को जो है इस ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इसी ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का ही पार्ट है आपका ये इको एथनिक रिसोर्ट। इको एथनिक रिसोर्ट, एथनिक, एथनिक का मतलब क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है आपकी नृजातीय संस्कृति। नृजातीय संस्कृति यानी कि किसी संस्कृति विशेष से रिलेटेड आपका एक रिसोर्ट बनाया गया है, जनजातीय संस्कृति से रिलेटेड। ठीक, तो देखिए ध्यान समझते हुए चलिएगा। अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आपके 3 आपके इको एथनिक रिसोर्ट का जो उद्घाटन किया गया। ठीक, एक है आपका कुर्दर हिल्स इको रिसोर्ट, कुर्दर हिल्स इको रिसोर्ट जो कि मौजूद है आपके बिलासपुर में। दूसरा है आपका बैगा एथनिक रिसोर्ट, बैगा एथनिक रिसोर्ट जो कि मौजूद है आपका सरोदा दादर कवर्धा में। और तीसरा है आपका धनकुल एथनिक रिसोर्ट जो कि मौजूद है आपके कोंडा गांव में। कुर्दर हिल्स जो कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक रिसोर्ट बनाया गया है, एक इको रिसोर्ट है। ठीक, बिलासपुर जिले में। दूसरा है आपका बैगा, बैगा जनजाति के आपके नृजातीय संस्कृति पर आधारित जो रिसोर्ट है ये आपका सरोदा दादर कवर्धा में मौजूद है। और तीसरा है आपका धनकुल, धनकुल जो है ये हमारे बस्तर अंचल यानी कि बस्तर संभाग में मनाया जाने वाला एक पर्व भी है और एक गीत भी है। धनकुल पर्व जो कि आपके तीजा के अवसर पर एक धनकुल पर्व भी मनाया जाता है और एक धनकुल गीत भी गाया जाता है। ये जो पर्व और ये जो गीत है ये हलवा और आपके भत्रा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व या आपके गाए जाने वाला गीत है। ठीक, तो ये धनकुल जो आपका एथनिक रिसोर्ट है इसका उद्घाटन किया गया है आपके कोंडागांव जिले में। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैगा एथनिक रिसोर्ट कहां है या आपका धनकुल एथनिक रिसोर्ट कहां है, तो थोड़ा सा इन लोकेशन को ट्रेस कीजिएगा। इस ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत हमारे प्रदेश के जो है 13 स्थानों को विकसित किया जाएगा। एक है आपका जशपुर, दूसरा है कुनकुरी, तीसरा है मैनपाट, चौथा है महेशपुर, पांचवा है आपका कमलेश्वरपुर, छठवा है आपका कुर्दर, सातवा है सरोदा दादर, आठवा है गंगरेल, नौवा है नथिया नवा गांव, दसवा है कोंडा गांव, ग्यारहवा है आपका जगदलपुर, बारहवा चित्रकूट और आपका 13वां नंबर पे है आपके तीरथगढ़। ठीक, तो इसमें से 3 स्थान जो है, 3 स्थान विकसित किए जा चुके हैं। एक है आपका कोंडा गांव, दूसरा है कुर्दर और तीसरा है सरोदा दादर। बाकी बचे हुए 10 स्थानों को विकसित किया जाएगा। ठीक, तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का ये पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लौह कुश जन्म स्थली। हमारे प्रदेश में जो है आपके राम वनगमन पथ के अंतर्गत टोटल अभी प्रथम चरण में आपके 9 स्थानों का चयन किया गया है उसके विकास के लिए। तो उन 9 स्थानों में शामिल है आपके तुरतुरिया। तुरतुरिया जहां पे मौजूद है आपके वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, इस तुरतुरिया में ही आपके लौह कुश का जन्म स्थान है। ठीक, तुरतुरिया में जो आपके वाल्मीकि ऋषि का जो आश्रम है यहीं पर आपके लौह कुश का जन्म स्थली है। ठीक, देखिए समझिएगा, वर्ष 1914 में इस स्थान के महत्व को समझने के लिए ब्रिटिश काल में जो आपके एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था H.M. लॉरी, उन्होंने इस स्थान पर खुदाई करवाया था। तो यहां से आपके 6वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास के बहुत सारे आपकी मूर्तियां और शिवलिंग प्राप्त हुए थे। इसी दौरान जो है खुदाई के दौरान यहां से कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसमें से एक मूर्ति आपके माता सीता की और दूसरी थी आपके घोड़े के साथ लौह कुश की मूर्ति।
ठीक। दो प्रतिमा प्राप्त हुई आपके रामायण कालीन, एक थे आपके माता सीता की और दूसरी थी आपके घोड़े के साथ लवकुश की। घोड़े के साथ लवकुश, ये जो घोड़ा है इस घोड़े को आपका रिलेट किया जाता है अश्वमेघ यज्ञ से, ठीक। भगवान राम जिन्होंने आपके अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और एक घोड़े को अपने साम्राज्य विस्तार या अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए खुला में छोड़ा था, ठीक, उसी घोड़े को आपका रोका गया था लवकुश, उन्हीं के ही दो बेटे थे लवकुश, उनके द्वारा इस अश्वमेघ घोड़े को रोका गया था। तो इसी से रिलेट करते हुए, इसी जो है आपके रामायण से रिलेट करते हुए ये जो मूर्ति है इसे रामायण कालीन होने का दावा किया जाता है। ये जो मूर्ति है ये सीता माता की और जो घोड़े के साथ जो मूर्ति मिली है ये लवकुश की मूर्ति मानी जाती है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका स्थान है इसका नाम तुरतुरिया क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो आपका ये जो तुरतुरिया जो आपका स्थान है यहां पर एक कुंड है, उस कुंड में निरंतर पूरे 12 महीने एक पानी बहते रहता है और उस जो जल कुंड में जो पानी गिरता है उसमें आपके तुरतुर की आवाज आती है, इसलिए इस स्थान का नाम आपका तुरतुरिया पड़ा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सीता लेखनी पहाड़ी, पीएससी में आया हुआ प्रश्न है। सीता लेखनी पहाड़ी किस जिले में है आया था, तो ध्यान दीजिएगा सीता लेखनी की पहाड़ी मौजूद है आपके सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले का जो सीता लेखनी पहाड़ी है यहाँ पे आपके पहाड़ों के चट्टानों में बहुत सी आकृतियां बनी हुई है, पहाड़ों के चट्टानों में बहुत सी आकृतियां बनी हुई है, ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर जो है आपके ऐसा किंवदंती है, माना जाता है कि लक्ष्मण ने माता सीता को अक्षर का ज्ञान करवाया था। जो आपके भगवान श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने माता सीता को यहां पर इस सीता लेखनी नामक स्थान में उन्हें अक्षर का ज्ञान करवाया था। देखिए कहानी कुछ ऐसी प्रचलित है कि भगवान श्री राम जो आपकी माता सीता है, माता सीता वनवासी जो है वनवासियों से मिलने के लिए बाहर निकलती है, तब कुछ महिलाएं जो है एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर कुछ लिख रही होती है। माता सीता के द्वारा जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्या कर रही है, तब उनके द्वारा बताया जाता है कि हम कुछ अक्षर जो है पत्थरों पर लिख रहे हैं। वापस आकर के माता सीता के द्वारा जो प्रश्न है कि ये अक्षर होता क्या है, ये पूछा जाता है आपके भगवान राम से। भगवान राम जो कि उस समय आपके वन देवी की पूजा के लिए जाते रहते हैं, तो वो अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि वो माता सीता को अक्षर का ज्ञान करवाए, ठीक। वहां पे ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि माता सीता को अक्षर का ज्ञान नहीं था और इसी सीता लेखनी नामक स्थान में लक्ष्मण के द्वारा माता सीता को अक्षर ज्ञान करवाया गया, ठीक। देखिए वहां स्थानीय स्तर पर ये कहानी एक ऐसी किंवदंतियां प्रचलित है। अगर आप देखेंगे, देखो ये जो राम वनगमन पथ जो हमारे प्रदेश में है उसको समझने के लिए आप रामायण को या अपने लॉजिक को थोड़ा दिमाग से हटा दीजिएगा, ठीक। अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो जो अयोध्या में जब आपका राम मंदिर का जब पूजा हुआ था और पूरा भारत भर में जो भगवान राम के जिस जिस स्थान से होकर के गुजरे थे पूरा उसका एक मैप जारी किया गया था, तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ था ही नहीं, ठीक। तो हम लेकिन छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमको एग्जाम देना है पीएससी और व्यापम का, तो जो चीज़ें राज्य सरकार या आपके राज्य सरकार या विभागों के द्वारा जो बताया जा रहा है उसे मानना आपका फर्ज है, ठीक है, उसे मानना जरूरी है, ठीक। तो थोड़ा सा अपने ये लॉजिक मत लगाइएगा कि ऐसा नहीं है या माता सीता को अक्षर का ज्ञान था कि नहीं था, उस स्थान से जुड़ी हुई जो किंवदंती है जो प्रचलित है वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। तो इसी स्थान पे जो आपके लक्ष्मण जी ने जो माता सीता को अक्षर का ज्ञान करवाया था, तो यहाँ की पहाड़ी के जो चट्टानों पर जो आकृति बनी हुई है ऐसा माना जाता है कि माता सीता के द्वारा जो आपके अक्षर के ज्ञान के दौरान जो आपके लिखे गए थे वही चीज़ें इस आपके पहाड़ी के चट्टानों में आपके उकेरे हुए हैं, ठीक। यहीं पर मौजूद है आपका लक्ष्मण पंजा जो कि आपके गेरुआ रंग का है। इस लक्ष्मण पंजे से आज भी यहां की स्थानीय महिलाएं इसे कुरेद करके उसे सिंदूर के तौर पर यूज करती है, लक्ष्मण पंजा, ठीक। देखिए वन देवी की पूजा, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके भगवान राम है वो वन देवी की पूजा के लिए जा रहे थे, तो जो वन देवी और कोई नहीं आपके बागेश्वरी मंदिर, ठीक, वहीं पर आपके कुदुरगढ़ में मौजूद है आपके ओडगी तहसील के अंतर्गत आपके कुदुरगढ़ में मौजूद है आपके बागेश्वरी देवी, ठीक। ये जो बागेश्वरी देवी का मंदिर आज भी मौजूद है और इसी मंदिर को आपका वन देवी मान करके भगवान श्री राम यहाँ पर पूजा के लिए गए थे, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से जो है अगला जो पड़ाव है वो है आपका विश्रवा ऋषि का आश्रम, ये भी मौजूद है आपके सूरजपुर में। सूरजपुर के पहाड़ गाँव में मौजूद है आपका विश्रवा ऋषि का आश्रम। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भी जाकर के जो
आपके भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता कुछ समय के लिए इस स्थान पर भी जाके विश्राम किए थे। और इसी विश्रवर ऋषि के नाम पर ही सूरजपुर का एक जगह है जिसका नाम है आपका विश्रामपुर। ऐसा माना जाता है कि जो विश्रामपुर जो आपका जो शहर है या जो जगह है उसका नाम इसी विश्रवर ऋषि के आश्रम के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो इन सारे चीजों को रिलेट करते हुए याद कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम जो कि मौजूद है आपके सिहावा की पहाड़ी धमतरी जिले में। ये जो सप्तऋषि आश्रम, सप्त नाम से ही स्पष्ट है, सात ऋषियों का आश्रम। ठीक, यहां दो बार ऋषि हो गया है। सप्तऋषि आश्रम जो सात ऋषि कौन कौन से थे, एक है आपके श्रृंगी, दूसरे है अगस्त, तीसरा है कंकर, चौथे है आपके गौतम, पांचवे है अंगिरा, छठवें नंबर पर है आपका सरभंग और सातवें नंबर पर है आपके मुचकुंद। ठीक, इन सात ऋषियों का एक आश्रम मौजूद है आपके सिहावा की पहाड़ी में। अपने वनवास के दौरान, जब आपके भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान इस सिहावा में आपके सप्त ऋषि आश्रम में आकर के इन सातों ऋषियों का उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उनसे भेंट करके इन सातों ऋषियों का उन्होंने आशीर्वाद लिया था। ये जो आपके कंकर ऋषि है वो इस सप्त ऋषि में मौजूद थे और इनका एक और आश्रम मौजूद था आपके कांकेर में। ठीक, तो जो आपका कांकेर है, ऐसा एक कहानी वहां पर भी प्रचलित है कांकेर जिला में कि इन्हीं आपके कंकर ऋषि के जो आश्रम है, इन्हीं कंकर ऋषि के आश्रम के नाम पर ही उस जिले का नाम आपका कांकेर पड़ा। ठीक, तो इनको भी थोड़ा रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रामपाल शिव मंदिर। ये जो रामपाल शिव मंदिर है इसे आपका बस्तर का रामेश्वरम कहा जाता है, बस्तर का रामेश्वरम। ये जो आपका रामपाल शिव मंदिर है ये मौजूद है आपके बकावंड बस्तर में। ठीक, बकावंड बस्तर में मौजूद है आपका रामपाल का शिव मंदिर। ये जो रामपाल का शिव मंदिर है इसे बस्तर का रामेश्वरम कहा जाता है। देखिए, जब भगवान श्री राम जो है आपके, जब वो अपने लंका की ओर जा रहे थे, तो लंका की ओर जाने से पहले उन्होंने आपके दक्षिण भारत में उन्होंने आपके रामेश्वरम नामक स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की थी। तो वैसा ही एक आपका शिवलिंग उन्होंने यहां पर भी स्थापित किया था रामपाल में। ठीक, रामपाल में उन्होंने एक अष्टकोणीय शिवलिंग की स्थापना की थी और इस शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात वो हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से आगे होते हुए बढ़े। ठीक, तो जिस प्रकार से उन्होंने आपके लंका कूच के दौरान, यानी कि अपना जो मेन हमारा जो भारत वाला भूभाग है उसे छोड़ करके जब वो लंका की ओर बढ़े, तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को छोड़ करके वो आगे बढ़े। तो इसीलिए ये जो आपका जो रामपाल है इसे आपका बस्तर का रामेश्वरम कहा जाता है। ठीक, बस्तर का रामेश्वरम, जहां पर आपके अष्टकोणीय शिवलिंग को अगर आप देखेंगे तो गोल आकृति रहती है, लेकिन यहां पर जो शिवलिंग मौजूद है इसे अष्टकोणीय शिवलिंग, मतलब वो जो शिवलिंग की आकृति है वो है आपके अष्टकोणीय। ठीक, देखिए, इस शिवलिंग में मौजूद इस ये जो आपका मंदिर है, इस मंदिर के प्रांगण में मौजूद है एक आपका बहुत बड़ा घंटा। ठीक है, एक घंटा मौजूद है जिसके ऊपर अंकित है 1860 यानी 1860 मेड इन लंडन। ठीक, मेड इन लंडन यानी लंडन में निर्मित, एक रोमन लिपि में लिखा हुआ है आपका 1860 मेड इन लंडन। ठीक है, तो ये जो है ब्रिटिश कालीन यहाँ पर एक घंटा भी मौजूद है 1860 में निर्मित। इस आपके रामपाल, ये जो आपके रामपाल है, रामपाल से जाने के बाद उन्होंने सुकमा के रामाराम में उन्होंने भूमि देवी की आराधना की थी और भूमि देवी की आराधना के पश्चात वो हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से आगे चले गए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मांझी योजना जिसका प्रारंभ किया गया आपके बस्तर जिले में प्रारंभ किया गया मांझी योजना, जिसका उद्देश्य है आपके पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। पहुंच विहीन क्षेत्र, जो हमारा जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है, ये बस्तर वाला क्षेत्र एकदम दुर्गम क्षेत्र है। बहुत जगह जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपके सड़कें मौजूद ही नहीं है, और जहां सड़कें मौजूद है उसे जगह जगह पर आपके नक्सलाइडों के द्वारा उसे बीच से तोड़ दिया जाता है, यानी बीच से जो है आपकी सड़कों में गड्ढे कर दिए जाते हैं। तो वो जो क्षेत्र जो है वो दुर्गम क्षेत्र और आपका पहुंच विहीन क्षेत्र हो जाता है, जहां पर आपका 108 एम्बुलेंस और आपके 102 महतारी एक्सप्रेस भी नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है आपके संस्थागत प्रसव का मतलब होता है आपके अस्पताल में जो है गर्भवती महिलाओं की वहां पे डिलीवरी करवाना। तो संस्थागत, परंपरागत प्रसव के स्थान पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। ठीक, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के 48 घंटा जो है आपके मां और बच्चे दोनों के लिए एकदम क्रिटिकल कंडीशन रहता है। ठीक, इस कारण से क्या होता है कि कई बार बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो कई बार आपके माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो आपके बस्तर है, बस्तर में प्रारंभ किया गया है आपका मांझी योजना। यहां पे क्या है, पहुंच विहीन क्षेत्रों में जहां पर आपके एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे क्षेत्रों में आपकी दोपहिया बाइक के माध्यम से, जो आपके दोपहिया वाहन है, जो आपके बाइक है, उसके माध्यम से इन महिलाओं को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। और जो आपके वाहन के मालिक होंगे उन्हें दूरी के आधार पर, ठीक है, जो अस्पताल से कितनी दूरी वो ट्रेवल करके उस महिला को
पहुंचा रहे हैं, तो दूरी के आधार पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसे भुगतान करेगा। ठीक है, तो ये है आपका मांझी योजना। मांझी योजना किस जिले में चलाया जा रहा है पूछा जाए तो वो है आपके बस्तर जिला में। मांझी जिले का मेन उद्देश्य या किससे संबंधित है तो पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका देवगुड़ी। देवगुड़ी जो कि आपके दंतेवाड़ा जिले में जो आपके स्थानीय जनजाति है, स्थानीय जनजाति का एक सांस्कृतिक धरोहर है। देवगुड़ी का मतलब होता है आपका पूजा स्थल। ठीक है, देवगुड़ी का मतलब होता है आपका पूजा स्थल। देखिए, ये जो देवगुड़ी जो कि आपके गाँव का, जो आपके दंतेवाड़ा जिले में आपके बहुत से गाँव है और हर एक गाँव का एक पूजा स्थल होता है, जिसे नाम दिया गया है आपका देवगुड़ी, जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। और इस देवगुड़ी के अंदर जो भी आपके देव या आपके देवी विराजमान रहते हैं उन्हें कहा जाता है आपका भूमिहार। ठीक, इस देवगुड़ी के अंदर जो भी आपके देव या आपकी देवी विराजमान रहती है उन्हें कहा जाता है आपका भूमिहार। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये जो आपका देवगुड़ी है, इस देवगुड़ी को संरक्षित करने वाला दंतेवाड़ा प्रदेश का पहला जिला है, जो कि आपके दंतेवाड़ा जिले में आपके लगभग 114 देवगुड़ी को संरक्षित करेगा, उसका कायाकल्प परिवर्तित करेगा, उसको थोड़ा डेवलप करेगा, ताकि बाहर से जो आपके दंतेवाड़ा में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो इस देवगुड़ी पर भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए, हमारे जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में बहुत सी देवगुड़ियां मौजूद है। उन बहुत से देवगुड़ियों में सबसे प्रमुख देवगुड़ी है आपके दंतेश्वरी माता और आपके मालवी माता। जो दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है उसे भी देवगुड़ी ही कहा जाता है। ठीक है, जो दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है और जो आपके मालवी माता, जो कि मावली माता जो है वो भी आपके दंतेश्वरी माता का ही एक प्रतिरूप है। ठीक, तो इनका जो मंदिर है इसे भी आपका देवगुड़ी कहा जाता है। तो ये जो है आपके दो प्रमुख देवगुड़ी है। तो ऐसे अलग अलग आपके दंतेवाड़ा जिले के 114 देवगुड़ियों का जो है संरक्षण और उनके कायाकल्प परिवर्तित करेगी आपका दंतेवाड़ा जिले के आपके प्रशासन। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका देवगुड़ी है, इस देवगुड़ी में हर साल यहां पर यात्रा पर्व का आयोजन किया जाता है। हर गांव में मौजूद आपकी जो देवगुड़ी है, जहां पर हर साल जो है एक आपका यात्रा तिहार, यात्रा पर्व का आयोजन होता है। देखिए, ये जो आपका दंतेवाड़ा जो जिला है, वहां पे कुछ अन्य आपके पूजा स्थल, उसको थोड़ा समझिएगा। जो आपके दंतेवाड़ा जिले में जो आपके ग्रामीण जो निवासी है, उनके घरों के देव स्थान में पूजे जाने वाली जो देवी है, ठीक, जो आपके गांव में जो लोग रहते हैं उनके घरों में जो आपके पूजे जाने वाली जो देवी है उन्हें कहा जाता है आपका गोडिंदाई। ठीक, लोग जो है, जो ग्रामीण जो है, अपने घरों में जो स्वयं के इष्ट देव की जो पूजा करते हैं उसको जो नाम दिया गया है आपका गोडिंदाई। ठीक, जंगलों के वृक्षों के झुरमुट में बनाया गया जो आपका देवी स्थान है, ठीक है, जो आपके जंगलों में, जो आपके झाड़ियों के बीच, जो आपके झुरमुट में जो बनाया गया जो देवी स्थान है उसे इन्होंने नाम दिया है आपका गादी माई। और वैसे ही गांव के बाहर यानी गांव की सीमा में, गांव के बाहर जो आपका देवता विराजमान रहते हैं उसे ये कहते हैं आपका भीमा डोकरा। ठीक है, उसे ये कहते हैं आपका भीमा डोकरा। तो जो घरों में जो इष्ट देवी की जो पूजा की जाती है उसे कहते हैं आपकी गोडिंदाई, जंगलों में जो देवी की पूजा की जाती है उसे कहा जाता है आपका गादी माई, और गांव के बाहर जो देवता विराजमान रहते हैं उसे कहते हैं आपके भीमा डोकरा। जबकि हर गांव का एक आपका देवगुड़ी होता है जो कि एक पूजा स्थान है। उस देवगुड़ी में जो आपकी प्रतिमा जो स्थापित रहती है, भले देव की हो या देवी को, उसे कहा जाता है आपका भूमिहार। और दंतेवाड़ा जिला हमारे प्रदेश का पहला जिला है जो इन आपके देवगुड़ियों का संरक्षण या इनका कायाकल्प परिवर्तित कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वन अधिकार पत्र। अभी हाल फिलहाल में हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये आपका वन अधिकार पत्र देने वाला या वन अधिकार पट्टा वितरित करने वाला देश का अव्वल राज्य बन गया है। ठीक है, देश का अव्वल राज्य। देखिए, ध्यान समझिएगा, ये वन अधिकार पत्र होता क्या है। ये जो वन अधिकार पत्र है ये आपके वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वितरित किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये जो आपका वन अधिकार पत्र या वन अधिकार पट्टा वितरित किया जाता है। इस आपके वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है वनवासियों को परिभाषित किया गया है। वनवासियों के लिए एक परिभाषा दी गई है। इसमें एक डेट मेंशन है आपका 13 दिसंबर 2005। ऐसा कोई व्यक्ति या कोई समुदाय जो आपके इस तिथि से
पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियां प्राथमिक रूप से वनों में निवास कर रही है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति या समुदाय जो 30 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम इसकी 3 पीढ़ियां प्राथमिक रूप से वनों में निवास कर रही है और पूरी तरीके से वनों पर उनका जीवन आधारित है, वनों पर उनका जीवन आधारित है, मतलब वनों के माध्यम से ही उनकी आजीविका निर्भर करती है, ठीक है, यानी पूरी तरीके से वो वनों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्हें जो है वो व्यक्ति आपके वन अधिकार पत्र के लिए आपके पात्र होंगे, ठीक। ऐसा कोई भी आपका व्यक्ति या समुदाय जो कि आपके 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम इसकी 3 पीढ़ियां प्राथमिक रूप से वनों पर निवास करती है और वनों पर ये निर्भर भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को आपका वनवासी कहा जाएगा और यही व्यक्ति आपके वन अधिकार पत्र के लिए पात्र होंगे, ठीक। इसमें ध्यान देने वाला चीज क्या है कि प्रदेश में जो आपके वन अधिकार पत्र का वितरण जो है आपके वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। देखिए ध्यान समझिएगा, हमारे प्रदेश में जो है आपके वन जो है, वन में आपके रहने वाले जनजाति बहुत से हैं, लेकिन जो आपका वन क्षेत्र है इसे सरकार द्वारा आरक्षित किया गया है, आरक्षित मतलब रिजर्व किया गया है, तो वहां पर आपके मानव हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे जनजाति हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनकी आजीविका पूरी तरीके से जंगलों पर आधारित है, जंगलों के माध्यम से वो अपने रोजमर्रा की जो आपके जलाऊ लकड़ी हो गई या रोजमर्रा की जो दैनिक चीजें हैं वो आपके जंगलों से लाते हैं, इसके साथ साथ तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, वनोपजों का संग्रहण करते हैं, एक प्रकार से उनकी जो आजीविका है वो वनों पर ही आधारित है, ठीक। तो लेकिन ये जो आरक्षित क्षेत्र है, इस आरक्षित क्षेत्र में ये अब इन वनों का उपयोग कर सके, इन वनों के माध्यम से अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सके, तो इसके लिए ये जो है आपका वन अधिकार पत्र वितरित किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अभी जो हमारा प्रदेश है ये हाल फिलहाल में वन अधिकार पत्र देने वाला जो छत्तीसगढ़ है देश का अव्वल राज्य बन गया है। हमारे प्रदेश में लगभग आपका 484,000 व्यक्ति और समुदायों को, व्यक्ति तथा समुदायों को वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत इन्हें जो 50,16,000, ठीक है, 15.16 लाख एकड़ जो है वन भूमि इन्हें अधिकार पत्र के रूप में या अधिकार भूमि के रूप में सौंपी गई है, ठीक। तो ये आंकड़े को थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका वन अधिकार पत्र देने वाला देश का पहला नगर निगम बना है आपका जगदलपुर। वन अधिकार पत्र, देखिए ये जो आपका वन अधिकार पत्र है ये आपके किसी व्यक्ति विशेष को या पूरे के पूरे ग्राम समुदाय को दिया जाता था, ठीक। लेकिन ये जो नगर निगम है, जगदलपुर जो नगर निगम है, ये देश का पहला, प्रदेश का नहीं, देश का पहला नगर निगम बना है जो कि आपका ये वन अधिकार पत्र वितरित कर रहा है। देखिए वन अधिकार पत्र का जो है मुख्य रूप से आपका, जैसे हमारे प्रदेश में जो आपका प्राकृतिक जो आपका जो हायरार्की है यानी जो प्राकृतिक विभाजन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक। तो ये सभी जनसंख्या के आधार पर ये जो है आपका प्रशासनिक विभाजन रहते हैं। तो ये जो आपका नगर निगम, देखिए जो ये जो आपका वन अधिकार पत्र जो है आपके वनों में रहने वालों की आबादी बहुत कम है, स्पेशली जो आपका वन अधिकार पत्र है ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में वितरित किया जाता है। लेकिन जो आपका जगदलपुर है, जगदलपुर एक नगर निगम है और ये आपका जनजाति बहुल क्षेत्र भी है। नगर निगम जो कि आपका जगदलपुर जो है एक नगर निगम है और जनजाति बहुल क्षेत्र भी है, इसलिए जो आपका जगदलपुर है, इस जगदलपुर में भी आपका वन अधिकार पत्र वितरित किया गया और ये नगर निगम जो आपका जगदलपुर नगर निगम है ये देश का पहला ऐसा नगर निगम है जहां पे वन अधिकार पत्र वितरित किया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको याद रखिएगा कि देश का पहला नगर निगम कौन सा है जिसने वन अधिकार पत्र वितरित किया, तो वो है आपका जगदलपुर। नेक्स्ट देखिए, रेत में सोने के कण जो हमारे प्रदेश है, हमारे प्रदेश से होकर बहने वाली नदी ईब नदी और उसकी सहायक नदी सोनाजोरी, ठीक है, ईब नदी और उसकी सहायक नदी सोनाजोरी के रेत के कणों में मिलते हैं आपके सोना, ठीक, जो इनके रेत के कण यानी कि इनके बालू में मिलते हैं आपके सोना। इस रेत के कण से सोना छान करके निकालने का कार्य करती है आपकी झोरा जनजाति जो कि आपके जशपुर में निवास करती है। हमारे प्रदेश में लगभग आपके 3 टन के आसपास सोने के भंडारण का अनुमान है। हमारे प्रदेश की कुछ नदियां हैं जैसे कि आपकी ईब नदी, ईब की सहायक आपकी सोना जोरी नदी और आपकी सबरी नदी, इन नदियों के जो आपके रेत के कण यानी कि बालू में जो है आपका मिलता है सोने के कण, ठीक। इस सोने के कण को छान करके मतलब जो आपका सूपा बोलते हैं, सूपा में इसके बालू को लेकर के उसे छान करके आपके सोने के महीन कणों को एकत्र करने का कार्य करती है आपकी झोरा जनजाति जो कि निवास करती है आपके जशपुर में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ईब नदी और ईब की सहायक नदी का नाम क्या है, आपका सोनाजोरी नदी, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सफेद ध्रुवीय भालू। सफेद ध्रुवीय भालू जिसे हाल फिलहाल में देखा गया है आपके डोमन हिल्स चिरमिरी कोरिया में। सफेद ध्रुवीय भालू जो कि आपके ये जो आपके सफेद भालू है जो कि आपके ठंडे प्रदेशों में रहता है, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में, आर्कटिक महासागर के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक, हमारे प्रदेश का ये जो आपका चिरमिरी है, चिरमिरी कोरिया जिले के डोमन हिल्स में ये आपका देखा गया है। ठीक, तो सफेद भालू आपके किस क्षेत्र में देखा गया है, तो डोमन हिल्स चिरमिरी कोरिया जिला। नेक्स्ट है देश का छठवां बड़ा गोल्फ कोर्स। ये जो गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स एक प्रकार का खेल है जिसे आपके अमीरों के खेल की संज्ञा दी जाती है, अमीरों का खेल, क्योंकि ये जो आपका गोल्फ कोर्स के लिए जो आपके इक्विपमेंट, जो इसके खेल की जो सामग्री है, ये काफी महंगे रहते हैं, जिसमें एक बड़ा सा स्टिक रहता है जिसे गोल्फ स्टिक कहा जाता है, उसमें एक छोटे से बॉल को मार करके छोटे से होल में डालना रहता है। ठीक, तो इसलिए जो है इसे अमीरों के खेल की संज्ञा दी जाती है। तो हमारे देश का छठवां सबसे बड़ा, देश का छठवां यानी एरिया वाइज देश का छठवां सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स बनकर के तैयार हो गया है आपके नवा रायपुर में। ठीक, इसमें जो है आपके नेशनल लेवल पे इसमें खेल प्रारंभ हो जाएंगे आपके दिसंबर महीने से, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये जो आपका गोल्फ कोर्स है ये आपके देश का 11वें नंबर का है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर आपका छठवां सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है आपका नया रायपुर में। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को याद रखिएगा, इन सारे करंट अफेयर को। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।